नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग परिवहन एवं संचार के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया था और अब हम आगे के क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। एक दिन आपका ड्राप हो गया था, किसी कारण से वीडियो आप तक नहीं जा पाया, बना था लोड नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रेलवे परिवहन। रेल परिवहन स्थल मार्ग में रेल परिवहन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रेल के द्वारा दुनिया के लंबी लंबी दूरियों को तय करने में का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यात्री, माल, भाड़े आदि चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आया जा सकता है। तो रेलवे का आविष्कार भाप के इंजन अर्थात 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य भाप के इंजन के आविष्कार के कारण 19वीं शताब्दी में इसका तीव्र द्रुतगामी विकास हुआ। सबसे पहले रेलवे जो है, भाप का इंजन जो बना, सबसे पहले भाप का इंजन 1825 ईस्वी में बना। भाप का इंजन, इस भाप के इंजन के बनने के कारण रेल परिवहन का बड़ी मात्रा में विकास हुआ। तो इस प्रकार से 1835 में सबसे पहले रेलवे इंग्लैंड के लिखा गया है। पहली रेलवे गाड़ी जो चली थी वो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली थी। 1835 में सबसे पहले जो रेलवे गाड़ी चली थी वो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी, और इसके निर्माता स्वयं जो है जॉर्ज स्टीफेंस महोदय ने ही इस गाड़ी को चलाया था। तो इस प्रकार से रेलवे का सबसे ज़्यादा जो विकास भी हुआ है वह यूरोप महाद्वीप में सघनता के आधार पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, और अगर संपूर्ण विकास देखा जाए तो अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ है। भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वह 1853 में जो है भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे 1853 में मुंबई से ठाणे सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चली थी। इस प्रकार से रेल का आज जो विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है, इसमें यूरोप में बड़े पैमाने पे हुआ है, अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, भारत भी पीछे नहीं, भारत में भी बहुत ज़्यादा जो है रेलवे का विकास हुआ है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और चीन भी बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन लंबी दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,279 किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर से लेकर के और यूरोप महाद्वीप तक जाती है। तो इसका यहाँ सचित्र वर्णन है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ब्लाडिवोस्टोक रूस का क्षेत्र है। इसके इधर आगे जाएंगे असल खंड के बाद प्रशांत महासागर आएगा। ब्लाडिवोस्टोक से लेकर और सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग आप देख रहे होंगे, यहाँ से इसकी लंबाई जो है 9,289 किलोमीटर है। अब इसमें पढ़ने वाले जो मेन ये कई देशों से होकर के जाता है। आप देख रहे होंगे मंगोलिया से टच हुआ है, फिर इधर रूस कंट्रीज है, रूस के बाद फिर इधर यूरोप में घुस गया, तो कई देशों से होकर के जा रहा है। इस प्रकार दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। यहाँ देखिए ब्लाडिवोस्टोक लिखा गया है, यहाँ हार्बिन लिखा गया है, यहाँ मंचूको लिखा गया है, ये चीता यहाँ का ये है,
ईस्टर कोस्ट है, ईस्टर कोस्ट है, नोवेस नोवा नोवेस विरिंस है, ओमस्क है, किलियांसवर्फ है, और तुला है, मास्को है, कजान है, नालोगडा है, और अंत में सेंट पीटर्स है। इस प्रकार से व्लादिवोस्तोक, हार्बिन, मंचूकू, चीता, ईस्टर, नोवोस्विंस, ओमस्क, किलियांस, तुला, मास्को और सेंट पीटर्स। इस प्रकार यह है एशिया से यूरोप, एशिया से यूरोप में जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। तो इस रेलवे मार्ग से जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा किया जाता है, और जिसकी लंबाई आपको बताई गई कि 9,289 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है। इस प्रकार हम फिर भारत के बारे में अगर अध्ययन करें तो भारत में भी सबसे जो है लंबी दूरी वाला जो है रेलवे ट्रैक है, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेसवे, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ के आसाम से और कन्याकुमारी तक जाता है। तो इस प्रकार से ये रहे रेलवे, रेलवे के महत्व। रेलवे का आज दुनिया में बहुत महत्व है, क्योंकि भारवाही जितने भी उत्पादन है वे रेलवे के माध्यम से ही एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, स्थल मार्ग का सबसे बड़ा साधन है। तो इस प्रकार से रेल का आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा महत्व है। रेल जो होते हैं किसी देश का रीढ़ की हड्डी के समान, धमनियों के समान काम करने वाली होती हैं। इस प्रकार से रेल के बारे में हम फिर अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आप यही क्लास एंड किया जाता है। बस आज यहीं पर ये अध्याय का ये भाग हम लोग खत्म करते हैं। अगले दिन फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।